जय सियाराम, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी कृपा से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं बहुत दिन से कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पूजा पाठ में सेवा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हम बहुत व्यथित रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यथित रहते हैं और बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, रोने का मन करता है, प्रभु की तरफ देखने का मन भी नहीं करता है। तो बताइए ऐसा क्यों है? तो चलिए इन सभी के उत्तर मैं आपको देती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, प्रभु की जब हम सेवा करते हैं तो सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ, बड़े बड़े संत महात्माओं के साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा क्षण आता है, कलयुग का ये क्षण होता है कि हमें प्रभु से विरक्ति होने लगती है, प्रभु की सेवा करते करते प्रभु में ही मन नहीं लगता। तो ये कलयुग का प्रभाव है। कितना भी मन ना लगे, हम माला करने बैठ रहे हैं, हमारा माला मन लगे ना लगे, लेकिन हमें प्रभु का नाम लेना है तो लेना है। मन को कहना है कि तुम शांत बैठो, मुझे प्रभु का नाम लेना है, ज़बरदस्ती लेना है। मन को आपको अपने बस में ज़बरदस्ती करना है। और एक रीज़न है कि अगर हम अपने घर में अपने बुजुर्गों का, अपने पति का, अपने गुरु जी का, अपने बच्चों का सम्मान नहीं करते हैं तो हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और प्रभु हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको एक काम करना है, आप जूठन खाइए। किसका जूठन खाइए? अपने माता पिता का, अपने पति का, अपने गुरु का। अगर आप प्रतिदिन इन सभी का जूठन खाएंगे तो आपको प्रभु के प्रति प्रीत बढ़ती चली जाएगी। ये लिख के रख लीजिए। तो अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का प्रतिदिन जूठा भोजन खाया करिए, अगर बच्चे हैं तो माता पिता का जूठन भोजन जरूर खाया करिए। और माता पिता, गुरुजन और पति की चरण सेवा जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं लेकिन उन सबको भूल गए हैं, इससे प्रभु नहीं प्रसन्न होते। अगर आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं तो अपने माता पिता की सेवा करिए, पत्नी है तो पति की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। और ये आपको कार्य करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रभु ऐसे ही करते रहेंगे और आपका प्रभु की सेवा में मन नहीं लगेगा। तो आप ये दोनों कार्य करके देखिएगा और मैं 100% श्योर हूँ आपका भक्ति में मन लगने लगेगा। तो अगर आप ये सब पहले से कर रहे हो फिर भी आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा तो ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन आपको भक्ति में मन लगाना ही लगाना है। आपके मन को कहना है कि नहीं, तुम एक साइड बैठो, मुझे भक्ति करनी है तो करनी है। कितना भी मन कहे नहीं 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 करना, क्योंकि मन हमारा ऐसा होता है, मन नहीं कहता है कि ये चीज़ करो, लेकिन मन को हमें एक साइड में कर देना और हमें करना ही करना है। चाहे एक माला करो, चाहे प्रभु की थोड़ी सी सेवा करो, लेकिन सेवा आपको करनी ही करनी है और उसका फल आपको लगे ही मन से करो या बिना मन के करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।